I'm gonna be like, yeah. Hey guys, welcome back. आज आए हैं फिर से मंडी, एक बार फिर से आप लोगों को दर्शन करवाने. तो ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सीधे मेन मेन काम बताएंगे क्या क्या खरीदा. तो अभी हैं हमारे साथ मिस्टर, जानते ही होंगे आप. अब बाकी आप शाम भी अभी मिलिए, चाय पी रहे हैं सुबह सुबह 4 बजे और वीडियो बनाई जा रही है तरुण जी के द्वारा. और ये जो कैमरे से शर्माते हैं, प्यार भी लो, 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 प्यार भी लो. तरुण जी से मिलिए. दम सुबह 4 बजे उठ के आए, देखिए सारे तैयार हैं, मतलब कि आ चुके हैं वापस. जोश देखिए इन लोगों में, तो सुबह धुन देख सकते हैं आप. तो लीजिए तरुण जी कैमरा पकड़िए, तो आगे की कार्रवाई हम स्टार्ट करते हैं. तो आज गए थे मंडी, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा. तो ग्रॉसरी शॉपिंग पे ऑलरेडी एक पहले वीडियो हो चुकी है, तो इसलिए ज़्यादा कवर नहीं किया उस पर. तो आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या क्या लिया गया है. दिखाएं जैसे कि आपको एक तो कीवी है, फ्रूट्स कम ही लिए गए हैं, ज़्यादा सब्जियों पे फोकस था हमारा. तो ओवरव्यू दे दें आपको, ब्रोकली ली है ज़्यादा, जो कि ज़्यादा काम की है. देन कैप्सिकम है, ये ग्रीन एंड रेड. गाजर है, कैरेट किस लिए, जूस के लिए, और कह सकते हैं ये बाकी टमाटर बीन्स आप वो दिखाएं आपको. इसमें है मशरूम. तो यही थी 4-5 चीज़ें जो ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट थी हमने ली हैं. तो बाकी अभी इसमें क्या है, इसमें है इतना अमरूद है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला फ्रूट, एक ही है प्रोटीन का, कोई इसमें मेन रोल नहीं हमारा. गाड़ी लोड होके घर जाती हुई, बाय बाय कर दीजिए. बाय बाय. हाँ जी, हम चलते हैं घर की ओर. अभी पहुंच चुके हैं जिम, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है सुबह से अभी तक. अब धूप निकली है दिन में, जाके जैकेट डाली है दो, सर्दी काफ़ी है. तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं जिम में, आज दिखाएंगे आप लोगों को जस्ट वर्कआउट. लास्ट टाइम बैक वर्कआउट बनाया था, तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी. उसके बाद कोई वर्कआउट बेस्ड वीडियो नहीं आई जिसमें कि पूरा आपको बताया जाए वर्कआउट के बारे में. तो आज आप लोगों के लिए जस्ट वर्कआउट लेके आया हूँ. तो इस वीक तो कॉम्पिटिशन है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करेंगे. पर मैं आपको बता दूँगा, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप जितना आप लोड ले सकते हैं उस हिसाब से आपको बताऊँगा कि क्या क्या करें. तो चलिए अभी पहले तो वार्म अप करेंगे. बात करें अगर वार्म अप की, तो मेक श्योर आप चेस्ट के वर्कआउट वाले दिन चेस्ट के साथ साथ शोल्डर का भी वार्म अप काफ़ी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि शोल्डर में काफ़ी लोगों को इसके इंजरी की दिक्कत आ जाती है.
बताना आपको ट्राइसेप्स का भी वार्म अप जरूर करें, क्योंकि ये एंट्री मसल है बेंच के लिए, बेंच के लिए लगाने लगे हैं बेंच प्रेस, क्योंकि हम पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कोशिश रहती है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ बेंच में ही यूज हो, बेंच के अटैक में। उसके बाद फर्दर जो बाकी गेम होती है वो करते हैं। पर अगर आप एक नॉर्मल स्विंग बनाना चाहते हैं, जिम जाते हैं, तो आप मसल को शॉक दे सकते हैं एक तरीके से। किसी दिन आप पहले बेंच प्रेस करें, या किसी दिन आप इंक्लाइन बेंच करें, या डंबल करें, या केबल फ्लाई करें, इस तरह से आप चेंज करें अपना वर्कआउट। तो अभी हम कल लगाएंगे बेंच प्रेस, आज लाइट वर्कआउट था तो 80 आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट हर सेट में बढ़ाएं, 5 से 10 किलो जितना आप लगाते हैं उतना बढ़ा लें। तो ये एक्सरसाइज आप लोग जरूर ऐड ऑन करें अपने वर्कआउट में, इनर चेस्ट के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से, जो कि इसके लिए। तो चेस्ट फ्लाई और केबल फ्लाई आप काफ़ी ध्यान से करें, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग गलती हो जाते हैं, स्ट्रेच ज़्यादा कर देते हैं जिससे इंजरी का खतरा बढ़ जाता है, तो ध्यान से करें। तो ये मशीन भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, पर हो सकता है सारी मशीन जिम में आपको अवेलेबल ना मिले, तो अगर आपकी जिम में ही अवेलेबल है तो जरूर मिलेगा।